यूपी का जनपद बांदा में बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि को लेकर नसीमुद्दीन सिद्दीकी विधान परिषद सदस्य प्रदेश कार्यकारिणी सलाहकार उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज प्रेस वार्ता कर वर्तमान सरकार को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि किसान मर रहा है, सरकार को कोई फिक्र नहीं है, यह सरकार पूरी तरह से फेल है। साथ ही अभी कहा कि जिससे ज्यादा भ्रष्ट सरकार मैंने कभी नहीं देखी। किसान की खड़ी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई, किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, राधेश्याम गुप्ता, सत्यन सिंह, बांदा, यूपी। इसका फायदा जनता को नहीं मिल रहा है, सिर्फ बढ़ा दिया गया। क्या कहेंगे इससे? देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें प्रेसिडेंट घट गई, उसको देख करके ही हमेशा पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल और गैस, इसके रेट घट से बढ़ते रहे। लेकिन ये एक ऐसी सरकार आई है, ये उल्टी चल रही है, लगातार रेट घट रहे हैं और इनके टैक्स बढ़ रहे हैं। मैं जानता हूँ कि बिना रेवेन्यू के, बिना टैक्स के गवर्नमेंट नहीं चलेगी, लेकिन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी यहाँ के लोगों को भी पालने की है ना। इतना टैक्स आप लाभ देंगे, रेट घटने चाहिए, आपने बढ़ा दिए। ये गरीब आदमी की जेब में डकैती है और खासतौर पर किसानों की। अब किसानों का इस समय क्या है कि गेहूं में दाना पड़ रहा है, गेहूं में जब दाना पड़ता है पानी की सप्लाई है नहीं, फूट बोल देंगे तेल तक सप्लाई है, वो क्या करेगा? पंपिंग सेट चलाना है, उसमें डीजल चाहिए। इसके बाद फसल कटाई होगी, इसके बाद जब उसकी कतराई का काम होगी उसमें डीजल चाहिए। ये किसान के साथ साथ आम आदमी के, उसको मंडी तक बेचने के लिए अगर लाना है अपनी फसल तो डीजल चाहिए। ये किसान, खासतौर पर किसानों को परेशान करने के लिए, आम आदमी को परेशान करने के लिए, क्योंकि डीजल पेट्रोल का संबंध हर चीज़ से है। महंगाई बढ़ने का मुख्य कारण डीजल और पेट्रोल है। ये सरकार नहीं चाहे